सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हम पाठ 14 पढ़ रहे थे, उसके हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज चौथा करवा रही हूँ, ध्यान से समझना। रिक्त स्थानानि पूरयर, रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर बच्चों आपको खाली स्थान भरने हैं। देखो, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पश्चिम दिशि च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है या अस्त होने के लिए गच्छति मतलब जाता है। ये अस्तम शब्द जो है वो आपका रिक्त स्थान में आपको फिल करना है। फिर से देखो, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पश्चिम दिशि च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा को च का मतलब और, अस्त होने के लिए गच्छति मतलब जाता है। अगला वाक्य, सूर्य अचल है। अचल शब्द होता है जो कोई गति नहीं करता, जो एक जगह स्थिर रहता है। तो सूर्य अचल है मतलब एक जगह स्थिर है, कोई गति उसमें नहीं होती है। और पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चला है, चलायमान है मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला है, पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी कहाँ घूमती है? अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर घूमती है। तो यहाँ पर आपका शब्द रहेगा पृथ्वी खाली स्थान में। अगला देखो, यदा पृथिव्या छाया पातेन, चंद्रस्य प्रकाश है अवरुद्यते, तदा, तदा आपका खाली स्थान में भरा जाएगा बेटा, चंद्र ग्रहणम भवति। इसकी हिंदी देखो, जब, यदा का मतलब जब, पृथिव्या छाया पातेन, पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्यते, चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है या रुक जाता है। तदा, तदा का मतलब बेटा जब, यदा मतलब जब, तदा मतलब सॉरी तब, तदा का मतलब होता है तब, तब चंद्र ग्रहणम भवति, चंद्र ग्रहण होता है। एक बार फिर से देखो, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध होता है या रुकता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला, नौकायाम उपविष्ट मानव, नौका में बैठा हुआ मानव, मानव मतलब मनुष्य, नौकायाम उपविष्ट है, नाव नौका होती है बच्चों, नाव, नाव में बैठा हुआ मनुष्य नौकाम नौका को, नाव को स्थिर अनुभवती, स्थिर अनुभव करता है। जो व्यक्ति नाव में बैठा होता है और पानी में विचरण करता है, विहार करता है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये नौका तो एक ही जगह स्थिर है लेकिन आसपास की सारी वस्तुएं चलायमान है, चल रही हैं। तो यहाँ बताया है कि नाव में बैठे हुए मनुष्य को नौका स्थिर अनुभव होती है या एक जगह रुकी हुई महसूस होती है। तो इसमें एक बार फिर से देखो, जो पहला आपका वाक्य है उसमें खाली स्थान में आपको अस्तम भरना है, दूसरा वाला है उसमें आपको बेटा चला शब्द भरना है खाली स्थान में, तीसरे में पृथ्वी भरना है, और चौथे के अंदर बेटा आपको तदा शब्द भरना है, और पांचवे में भरना है आपको नौकाम। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा अभी मैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रश्न 6 बेटा, प्रश्न जो 5 है वो मैं पहले वीडियो में करवा चुकी हूँ। अब प्रश्न 6 देखो, विपरीत आर्थक पदानि लिखत, विपरीत आर्थक शब्द लिखो। ध्यान से समझना बेटा, पहला है उदय, उदय का मतलब है उगना, और अस्त, इसका विपरीत आर्थक शब्द बनेगा अस्त है, अस्त होना। सूर्य पूर्व में जैसे उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है, तो उदय का विपरीत आर्थक शब्द, उल्टा शब्द होगा बेटा अस्त है। अचल है का बनेगा चल है, अचल वो होता है जो एक जगह स्थिर रहता है, जो गति नहीं करता है, और चल है का मतलब जो गतिमान होता है। अंधकार है अंधेरा, और प्रकाश है का मतलब उजाला। अगला है, स्थिर है अस्थिर है, स्थिर जो एक जगह स्थिर रहता है, एक ही जगह जिस किसी वस्तु में जब गति नहीं होती है तो उसे कहा जाता है स्थिर, जैसे सूर्य एक जगह स्थिर है। और अस्थिर जो एक जगह स्थिर नहीं होता वो अस्थिर मतलब जो गति करता है। आगे है, समादर है मतलब आदर, और अनादर, अनादर मतलब किसी का अपमान। आकाशस्य मतलब आकाश का, आसमान का, तो इसका विपरीत शब्द बनेगा बेटा पातालस्य, पाताल का। एक बार फिर से देखो, उदय का विपरीत अस्त,
अचलय का चलह है, अंधकारय का प्रकाश है, स्थिरय का अस्थिर है, समाद्रय का अनाद्र है और आकाशस्य का पातालस्य। अगला ये जो प्रश्न 6 है ये इसका ए भाग था और अब इसका आ भाग देखो बेटा। समानार्थक पदानि लिखत, समानार्थक शब्द लिखो। इस ए भाग में बेटा हमने विपरीत शब्द किए थे मतलब उल्टे, अब इसमें हमें पर्याय शब्द बताने हैं मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द। संसारे, संसार में, तो इसका समान शब्द बनेगा लोके। लोके का भी मतलब होता है संसार में, और संसारे तो संसार में है ही और लोके का भी मतलब है संसार में या दुनिया में। इदानीम, इदानीम का मतलब अब, और साम्प्रतम, साम्प्रतम का भी मतलब होता है बेटा अब। इदानीम और साम्प्रतम दोनों का ही मीनिंग है अब। वसुंधरा मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी तो समानार्थक शब्द क्या बना वसुंधरा का, पृथ्वी। समीपम मतलब निकट, और निक्षा, निक्षा का भी मतलब होता है निकट। समीपम निक्षा दोनों का ही मतलब समीप या निकट। गणनम मतलब गणना करना, आकलनम मतलब गणना करना, संख्याओं की जो गणना की जाती है उसको कहते हैं गणनम या फिर आकलनम। अगला है राक्षसौ, राक्षस, दानवौ राक्षस, दोनों का ही, राक्षसौ शब्द और दानवौ शब्द दोनों का ही मीनिंग होता है दानव या राक्षस। तो एक बार फिर से देखो, संसारे का समानार्थक लोके, इदानीम का साम्प्रतम, वसुंधरा का पृथ्वी, समीपम निक्षा, गणनम आकलनम, राक्षसौ का दानव। तो बेटा ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया और आपका जो ये पार्ट 14 है इसका अभ्यास भी कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। सभी बच्चे वीडियो के माध्यम से ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को और याद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।